बचपन से ही है, घर में होते हैं, कभी माँ बाप के साथ खेत में काम कर लिया कर, उसके बाद एक साल लगभग घर रहे। फांगी की, फांगी वैसे तो मतलब ऐसे जंगलों में पाई जाती है। मेरा नाम गौरव है, फिल्ड पार से हूँ, पांगी में सुम्बा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है पांगी वैली, तो वहाँ के फिल्ड पार गाँव से हूँ। तो एजुकेशन वगैरह? एजुकेशन मैंने बीएससी की हुई नॉन मेडिकल में, कोटशेरा डिग्री कॉलेज शिमला से। अच्छा, तो फार्मिंग से कब से जुड़े हो, बचपन से जुड़े रहे? तो अब बचपन से ही है, घर में होते हैं, कभी माँ बाप के साथ खेत में काम कर लिया, कभी कुछ कर लिया, थोड़ा बहुत हो जाता है। अच्छा, तो लॉकडाउन में घर पे ही रहे? लॉकडाउन में था, चंडीगढ़ था, फिर उसके बाद आया था मई 21 को पहुंचा था लास्ट ईयर घर, उसके बाद एक साल लगभग घर रहे। अच्छा, तो आपने खेती बाड़ी को ध्यान से देखा है एक साल? बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखा है। अच्छा, तो बेसिकली हम आए हैं पांगी हेजल नट के लिए, जो पांगी की ठांगी है, तो उसके बारे में आप थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दे सके। तो पांगी की ठांगी वैसे तो मतलब ऐसे जंगलों में पाई जाती है, अभी इसका प्लांटेशन हो रहा है, लास्ट ईयर हुआ इसका प्लांटेशन, फिलहाल अभी आपने देखा होगा हमने निरीक्षण किया तो वहाँ पे तेज के पौधे लगे हुए, ये जंगल में होता है। कितनी क्वांटिटी लगभग एक बंदा इकट्ठा कर सकता है इसको साथ? ये तो फिर डिपेंड करता है कि फसल कैसे होती है इसकी। अच्छा, तो किस पिछले साल क्या सारा फसल? पिछले साल कुछ भी नहीं हुआ, लोग ढूंढ ढूंढ के थक गए, कोई बोलता 2000 रुपये देंगे, कोई बोलता 3000 रुपये देंगे, थांगी दो, थांगी था ही नहीं तो देना कैसे। अच्छा, तो इस बार क्या लगता है होगा? इस बार शायद में भी हो सकता है। अच्छा, तो अभी तक श्योर नहीं? श्योर तो कुछ भी नहीं, क्योंकि बर्फ पड़ती है तो जैसे ओले पड़ेंगे तो फिर इसका फूल होता है वो जल जाता है। अच्छा, इसके अलावा फिर जैसे ठांगी आपने इकट्ठा कर लिया मान लीजिए, तो उसको खरीदने के लिए लोग यहीं आते हैं या आप लोग लेके जाते हो? इसके लिए ऐसा होता है, पैसे लेके तो नहीं गए, कभी लोग खुद आते हैं कि मतलब ठांगी चाहिए ये करके, जैसे कोई रिश्तेदार वगैरह आ गए उनको गिफ्ट देने, कोई जैसे घर से बाहर कोई लेते हैं हमारे जैसे पांगी के लोग, कोई चंबा आता है, कोई धर्मशाला, कोई चंडीगढ़ का है, तो यहाँ से आते लेके जाते हैं वहाँ पर खाए। अच्छा, तो मोस्टली इसमें एज सच बिजनेस का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है इसमें? बिजनेस का अपॉर्चुनिटी मतलब उस लेवल तक होता नहीं है कि मतलब इससे बिजनेस चल पड़े अच्छे तरीके से। अच्छा, और ये क्योंकि जंगल में पाया जाता है तो इसमें स्प्रे वगैरह तो कुछ नहीं? कुछ भी नहीं, कोई स्प्रे नहीं होता इसमें, वाइल्ड फ्रूट है। अच्छा, ठीक है। और जो प्लांटेशन जो फॉरेस्ट वाले कर रहे हैं, तो अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो क्या लगता है आपको फ्यूचर क्या है इसका? फ्यूचर मतलब फ्यूचर फिर ये डिपेंड करता है, अगर ये सक्सेस हुआ तब तो बहुत अच्छा होगा, फिर इसको आगे मतलब बेच भी सकते हैं या कुछ इनकम सोर्सेज से बन जाए कुछ एक लोगों का, थोड़ा बहुत हो, कोई 5-10 किलो कर लेगा तो 15-20 हज़ार रुपये कमा लेगा वो आराम से। क्योंकि आप पांगी रीजन में, क्योंकि सिग्नल नहीं है तो आप हमें खुद कॉल करोगे? कोई बात नहीं, हम आगे से मतलब करेंगे, बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, टच में रहेंगे। ठीक है, तो हम आपसे मिलेंगे सितंबर में जब हम आएंगे इसके लिए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू भाई, थैंक यू।